हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए एक न्यू अपडेट जो जेएसएससी द्वारा रिलीज किया गया है। ये जो रिलीज डेट है 14th को हुआ है, 14 मार्च को ये हुआ है, और इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ होगा आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, क्या है अपडेट को जान लीजिए कि ये फॉर्म एडिट करने का आपके पास ऑप्शन आएगा, लिंक ओपन हो जाएगा। कितना तारीख को ओपन होगा सर? 20 मार्च को ओपन होगा और 22 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट CGL का फॉर्म भरे हैं वो सारे इस पर ध्यान दीजिएगा, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, जब आप फॉर्म भर रहे थे हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो, ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ उसमें एडिट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप सुधार सकते हैं, क्या क्या नहीं सुधार सकते, तो ध्यान दीजिएगा। आपका नोटिफिकेशन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपका जो नाम आपने टाइप कर दिया है अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गई है तो आप बदल नहीं सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप बदल नहीं सकते हैं, ईमेल आईडी आप बदल नहीं सकते हैं और मोबाइल नंबर आप बदल नहीं सकते हैं। यू कांट चेंज दीज थिंग्स, ठीक है। ये इसके अलावा कई चीज़ें हैं जो आप उसमें भरे थे वो सारे चीज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्या क्या भरा है कि पोस्ट प्रिफरेंसेस देखे होंगे, 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला था, उसमें मान लीजिए 1 नंबर पे आप किसी चीज़ को रखे थे, ठीक है, फूड वाले डिपार्टमेंट था तो आपको 1 नंबर पे रखे थे, आप नहीं चाहते आपकी फूड वाले डिपार्टमेंट में आप जाएँ, दूसरा डिपार्टमेंट चॉइस करना, तो पोस्ट प्रिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए थोड़ा जांच पड़ताल करके रिसर्च करके पोस्ट प्रिफरेंसेस को डालिएगा, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड हैं पहले से तो दैट्स गुड, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर, मान लीजिए लैंग्वेज पेपर जो पेपर टू में बहुत सारा लैंग्वेजेस था, जैसे खोटा, नागपुरी, संथाली, बांग्ला, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जो उर्दू, इस टाइप के जो भी लैंग्वेज कोई चॉइस किए थे और आपको लग रहा है अब इतना दिन तैयारी करने के बाद कि नहीं भाई ये हमसे नहीं होगा, तो आपके पास अब मौका है, आप चेंज कर सकते हैं। या फिर उस वक्त जो लोग, मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कॉल किया था और पूछा था कि भैया उर्दू डला गया, खोटा डालना था, क्या करें, तो मैंने उसे भी सजेशन दिया था उस वक्त कि आप वेट कर लो, लिंक ओपन होगा आज, लिंक 20 तारीख को लिंक ओपन हो जाएगा। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप पेपर को भी चेंज कर सकते हैं, बंगाली टू खोटा जा सकते हैं, खोटा टू बंगाली आ सकते हैं और भी चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, अब कास्ट का बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप उसमें बीसी डाल दिए थे, BC1 डाल दिए गलती से, मान लीजिए आपका BC2 है, आपका सर्टिफिकेट अब तक तो आ ही गया होगा, अब तक तो बना ही लिए होंगे, तो एज पर योर सर्टिफिकेट कास्ट को प्रिफरेंस दे दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो UR कर दीजिए अब, ठीक है। मान लीजिए आप BC बनाने के लिए दिए थे लेकिन बना नहीं, तो अब आप अनरिजर्व्ड डाल दीजिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है अब जो आप डालिएगा, जो उसमें नंबर डालना रहता है वही आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम वही सर्टिफिकेट आपसे लेगा, दूसरा नहीं, इसलिए डॉक्यूमेंट संभाल के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सारा लेमिनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी सेम चीज़ है कि रेसिडेंस भी आप अभी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं रहते थे, आप कहीं और अपना रेसिडेंस बना दें, मतलब कि आप कहीं रहते हैं लेकिन गाँव आपका कहीं और है, आपका एक्चुअल रेसिडेंस कहीं और आपने बनाया नहीं था, अब तक तो आ गया होगा, डाल दीजिए, ठीक है। और हो सकता है ऐसे भी कई सारे विद्यार्थी हैं जो CO लेवल का रेसिडेंस बना के रखा था, या फिर बाद में वो SDO लेवल में अप्लाई किए होंगे, वो आ गए होंगे, तो आप SDO लेवल वाला डाल दीजिए, क्योंकि ये जो है ज़्यादा वैलिड माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके मैटर में 2016, 2019 ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर 2016 का मेरा रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, 2019 का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, तो मैंने इसके पहले भी बताया था, ठीक है, कि इसका एक फिक्स्ड डेट है। आप उस जैसे ही लिंक में क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जैसे ही डालिएगा तो उसके पहले का अगर है जो डेट एक्चुअली मीट किया गया है, जो डेट फिक्स किया गया है, वो उसके पहले का जैसे ही डालिएगा वो लेगा नहीं। तो आप लोग को मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये नया आप बना लीजिए SDO वाला सर्टिफिकेट, उस वक्त जैसे तैसे डाल करके आपने फॉर्म भर दिया, अगर आपने उस वक्त फॉर्म नहीं भरा तो अब आप नहीं भर पाइएगा, नया रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाइएगा। तो पुराना लोग जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, पैसा कटवा चुके हैं, फी पेमेंट कर चुके हैं, वही लोग के लिए ये लिंक ओपन होगा, नॉट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। अब एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन भी आप उसमें एडिट कर सकते हैं, तो ये सारे चीज जो आप एडिट कर सकते हैं, और नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये अपडेट आप लोग को देना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया है। तो वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।